आज से 500 साल पहले एक इंसान ने 21वीं सदी की भविष्यवाणी कर दी थी और उनके इन्वेंशंस ने आज के वैज्ञानिकों का भी दिमाग हिला कर रख दिया है। यकीन नहीं होता तो जरा इस इमेज पर नजर डालो। ये है इटली के इमोला शहर का मैप, जिसे साल 2019 में सैटेलाइट की मदद से खींचा गया था। और ये इमोला का वो मैप है जिसे लियोनार्डो दा विंची ने साल 1502 में बनाया था। दोनों मैप्स काफी सिमिलर लग रहे हैं, है ना? पर यहाँ पर सवाल तो ये है कि आखिर 16th सेंचुरी में जब सैटेलाइट तो क्या प्लेन भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, तब लियोनार्डो ने इतना एक्यूरेट मैप बनाया कैसे? अब देखो, इसके ठीक 3 साल पहले सेसारे बोर्जिया नाम के रूलर ने इमोला पर कब्जा किया था और बोर्जिया नहीं चाहते थे कि कल के दिन कोई और रूलर इस शहर को हड़प ले। इसलिए उसने लियोनार्डो से इमोला का मैप बनाने को कहा। अब लियोनार्डो की तरह ही इटली के एक और पेंटर जैकोपो दे बार्बरी ने साल 1500 में वीनिस का मैप बनाया था और वो कुछ ऐसा दिखता था। अब देखो, इस तरह के मैप्स को ना किसी पहाड़ या फिर ऊंची जगह पर चढ़कर बनाया जाता था, पर लियोनार्डो का बनाया गया मैप क्लियरली इमोला शहर की एरियल इमेज है, जो उस समय के इंसानों के लिए सोचना भी इम्पॉसिबल सी बात थी। अब उस समय के आर्टिस्ट ने तो ऐसे किसी भी मैप को बनाने का सोचा भी नहीं होगा। अब ये लियोनार्डो की इमेजिनेशन थी या फिर साइंस का कोई मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट जो आज के इंसानों की समझ के परे है, इस सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पर मेरे दोस्त, ये तो बस शुरुआत मात्र है। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजों को इमेजिन किया है और फ्यूचर की वो प्रेडिक्शंस की है जिन्हें सुनकर आपका दिमाग चकरा जाने वाला है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इतिहास को लेकर आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाने वाली है। तो दोस्तों, जरा इटली के रॉयल लाइब्रेरी ऑफ ट्यूरिन में रखी इस ड्रॉइंग पर नजर डालिए, जिसे कॉडेक्स ऑन द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। अब ये असल में सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है बल्कि पूरी बुक है, जिसमें हवा में उड़ने वाले अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को इमेजिन किया गया है और उनके स्केचेस बनाए गए हैं। लियोनार्डो आज के लोगों की तरह बैठे बैठे लैला मजनू के सपने नहीं देखते थे और ना ही वो ओवर थिंकिंग करते हुए खुद को डिप्रेशन में डालते थे, बल्कि वे आसमान में उड़ती बर्ड्स को देखते थे और उनकी एक एक मूवमेंट को ऑब्जर्व करते थे। अब बर्ड्स की बॉडी कैसे वर्क करती है, इसको समझने के लिए लियोनार्डो ने अपनी लाइफ के कई साल लगा दिए। उन्होंने कंक्लूड किया कि अगर किसी चीज को उड़ना है तो एक सक्सेसफुल फ्लाइट के लिए उसे मेनली 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला है एबिलिटी टू लिफ्ट, यानी कि हवा में उड़ने की काबिलियत, और दूसरा है कंट्रोल ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है उस पर उसका कंट्रोल। इस बुक में हमें कई ऐसी ऐसी ड्रॉइंग्स मिलती है ना, जिसमें लियोनार्डो ने इंसानों को हवा में उड़ाने वाली मशीन्स के डिजाइन बनाए हुए हैं। हालांकि दुख की बात तो ये है कि वो अपनी जिंदगी में तो कभी भी इन्हें रियलिटी में नहीं बदल सके। लेकिन जरा इस वाले ड्राइंग पर नजर डालिए, जिसे लियोनार्डो हेलिकल एयर स्क्रू कहते थे और ये आज के हेलीकॉप्टर की तरह ही लगता है। अब एक्चुअल हेलीकॉप्टर तो 20th सेंचुरी में ही आकर बना था, पर इसे हम लियोनार्डो का बनाया प्रोटोटाइप कह सकते हैं। लियोनार्डो की ये ड्राइंग इटली की बिब्लियोटेका एम्ब्रियोजियाना लाइब्रेरी में रखी हुई थी, जिसे 1795 में नेपोलियन अपने साथ ले गए थे और आज ये पेरिस की इंस्टीट्यूट दे फ्रांस में रखी हुई है। अब देखो, लियोनार्डो इसे असलियत में बना तो नहीं पाए थे, पर उन्होंने इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले हर पार्ट के बारे में बताया था, यहाँ तक कि उनकी लेंथ्स और साइजेस को भी मेंशन किया गया है। और ये भी बताया गया है कि अगर इस इंस्ट्रूमेंट को करेक्टली बनाना है तो इसके लिए लिनन के कपड़े की जरूरत होगी और उस पर स्टार्स की लेयर चढ़ानी होगी, जिससे कि एयर कपड़े के थ्रू पास ना हो। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली, इस एयर स्क्रू को मोटर पावर्ड नहीं बनाया गया था, बल्कि ये पूरी तरह इंसान की खुद की पावर पर चलने वाला था। अब आप कहोगे कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है और लियोनार्डो का हेलीकॉप्टर सिर्फ थियोरेटिकल ही था, पर दरअसल साल 2013 में कनाडा के कुछ इन्वेंटर्स ने लियोनार्डो के आइडिया को फॉलो करते हुए हेलिकल एयर स्क्रू को रियलिटी में बदल दिया। एंड यस, ये पूरी तरह से मैन पावर्ड था। हालांकि आज के प्रस्पेक्टिव से ये उतना सेफ नहीं था, इसलिए हम शायद इस आइडिया को मास लेवल पर यूज होता कभी नहीं देखे। हेलीकॉप्टर के बाद अब देखिए लियोनार्डो का पैराशूट। पैराशूट के इन्वेंशन का क्रेडिट फ्रांस के लुई सेबेस्टियन लेनोरमांड को दिया जाता है, जिन्होंने साल 1783 में इसके पहले प्रैक्टिकल मॉडल को बनाया था। पर इसके करीब 300 साल पहले ही पैराशूट जैसी चीज की कल्पना कर ली गई थी। लियोनार्डो के इस स्केच में आपको ये पिरामिड शेप का ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, जिस पर लटक कर इंसान जमीन पर कूद रहा है।
उनके अनुसार ये पिरामिड शेप्ड का ऑब्जेक्ट लिनन के कपड़े से बनेगा, जिसकी हर साइड करीब 23 फीट लंबी होगी और इसकी हाइट भी 23 फीट की होगी। अब लियोनार्डो का दावा था कि अगर किसी इंसान के पास ये पैराशूट हो ना, तो किसी भी हाइट से कूद सकता है और उसे कोई भी चोट नहीं लगेगी। अब लियोनार्डो ने खुद इसे कभी टेस्ट किया था या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, पर कई सौ सालों तक वैज्ञानिक इसे डेंजरस कंसिडर करते रहे और इसीलिए लियोनार्डो को कभी भी पैराशूट के इन्वेंशन का क्रेडिट नहीं दिया गया। पर ये मिथ उस समय बस्ट हो गया जब साल 2000 में एड्रियन निकोलस नाम के एक स्काई डाइवर ने लियोनार्डो के आइडिया पर बेस्ड एक पैराशूट का प्रोटोटाइप बनाया और एक हॉट एयर बलून से जंप लगा दी। लेकिन इसके बाद एड्रियन का क्या हुआ? वेल, एड्रियन ना सिर्फ जिंदा बच गया बल्कि उन्होंने बताया कि लियोनार्डो के बनाए पैराशूट की लैंडिंग मॉडर्न पैराशूट से भी ज्यादा स्मूथ है। वैसे क्या कभी आपने ऑर्निथोकॉप्टर के बारे में सुना है? लियोनार्डो की राइटिंग्स में इसे ऑर्निथोस्टेरोन कहा गया है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पक्षी के पंख, और ऑर्निथोकॉप्टर एक ऐसा एयरक्राफ्ट होता है ना जो पक्षी की तरह हवा में उड़ता है। अब लियोनार्डो ने ऑर्निथोकॉप्टर को कुछ इस तरह से इमेजिन किया था। हालांकि ये वाला कॉन्सेप्ट ना लियोनार्डो के समय से पहले ही जन्म ले चुका था। कहते हैं कि साल 1010 में इंग्लैंड के कैथोलिक मॉन्क जिन्हें आइमर ऑफ माल्मेसब्यूरी कहा जाता था, उन्होंने एक ऑर्निथोकॉप्टर बनाने में कामयाबी हासिल की थी और इससे 650 फीट तक उड़ान भी भरी थी। हालांकि इसके बाद उनका यह उड़न खटोला क्रैश हो गया और उनके दोनों पैर टूट गए। इसके कंपैरिजन में अगर हम लियोनार्डो के आइडिया को देखें तो ये काफी टेक्निकल लगता है, और क्योंकि उन्होंने बर्ड्स की फ्लाइट को स्टडी करते हुए सालों बिताए थे तो ये पॉसिबल है कि उनकी डिजाइन में कोई भी फ्लॉ नहीं होगा। पर लियोनार्डो के ऑर्निथोकॉप्टर को आज तक रियलिटी में नहीं बनाया जा सका है। अब दोस्तों, आपने इंटरनेट पर परपेचुअल मोशन डिवाइसेस की वीडियोस तो जरूर देखी होंगी। ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो एक बार मोशन को स्टार्ट करते हैं तो हमेशा के लिए मोशन करते ही रहते हैं, वो भी बिना किसी एनर्जी के। हालांकि देखो, ऐसा कोई डिवाइस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, और इंटरनेट पर जितने भी ऐसे डिवाइसेस होते हैं उनमें कोई ना कोई एनर्जी सोर्स जरूर अटैच्ड होता ही है। अब ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ को ब्रेक करता है, साथ ही साथ न्यूटन के थर्ड लॉ के खिलाफ भी है। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी लाइफ में काफी समय तक परपेचुअल मोशन डिवाइसेस को बनाने की इमेजिनेशन में समय बिताया, पर अल्टीमेटली वो ये समझ गए थे कि परपेचुअल मोशन इम्पॉसिबल है। दैट मींस कि एक सिस्टम को वर्क करने के लिए एनर्जी के रिक्वायरमेंट तो जरूर होती ही है, और उनके इस रियलाइजेशन ने उन्हें इमेजिनेशन की एक नई दुनिया की ओर बढ़ाया। अब जरा इसे देखो, जानते हो ये क्या है? ये है लियोनार्डो के एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर। दोस्तों, वो इतिहास के पहले इंसान थे जिन्होंने गियर्स को मशीन में इस्तेमाल करने पर इतना इनडेप्थ स्टडी किया था। परपेचुअल मोशन और गियर सिस्टम की नॉलेज का इस्तेमाल करके लियोनार्डो ने कई चौंका देने वाले इन्वेंशंस किए थे, जैसे कि जरा इस ड्राइंग को देखो जो आज इटली के गैलीलियो म्यूजियम में रखी हुई है। देखो, एलोन मस्क वो पहले इंसान नहीं है जिन्होंने सेल्फ ड्राइविंग कार का कॉन्सेप्ट सोचा था। लियोनार्डो दा विंची से साल 1478 में ही इमेजिन कर चुके थे और इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट उन्होंने इस ड्राइंग में समझाया है। अब टेक्निकली आप इसे एक कार नहीं बोलोगे बल्कि ये एक कार्ट का मॉडल था जो स्प्रिंग्स और गियर्स की मदद से चलता था, और इसमें स्टीयरिंग और ब्रेक्स का भी सपोर्ट था। अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? कुछ ऐसा ही हाल फ्लोरेंस के इंस्टीट्यूट एंड म्यूजियम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस के डायरेक्टर पावोलो गालुजी का था, जिन्होंने साल 2004 में अपनी टीम के साथ मिलकर स्क्रीन पर दिख रहे इस सेल्फ प्रोपेल्ड कार्ट को बनाया। और जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही से वर्क कर रहा था। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर आपको लग रहा है कि लियोनार्डो बड़े शांत स्वभाव के इंसान रहे होंगे जो दिन भर अपने ख्यालों में खोए हुए रहते होंगे, तो भाई हाँ, लियोनार्डो कुछ ऐसे ही व्यक्ति थे, लेकिन उनके ख्याल कई बार बहुत खतरनाक रूप भी ले लेते थे। जैसे कि साल 1486 में उनके द्वारा बनाई गई इस ड्राइंग पर नजर डालिए। ये कितना बड़ा होने वाला था इसे आप बगल में खड़े इंसान की साइज से कंपेयर करके समझ सकते हो। और लियोनार्डोस क्रॉसबो नाम के इस अस्त्र की ड्राइंग हमें कोडेक्स एटलांटिकस नाम की बुक में मिलती है जिसे लियोनार्डो दा विंची ने लिखा था। इसमें 6 व्हील्स सहित टोटल 39 इंडिविजुअल पार्ट्स थे। राइट साइड पर आपको एक बटन टाइप का दिख रहा होगा जिस पर हैमर मारने पर क्रॉसबो चलता था। और जानते हो ये जायंट क्रॉसबो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया क्यों था? क्योंकि लुडोविको स्फोर्जा नाम के एक इटालियन प्रिंस अपनी आर्मी के वेपन्स बनाने के लिए इंजीनियर्स की तलाश में थे, और जायंट क्रॉसबो जैसे कई वेपन्स की डिजाइन लियोनार्डो ने उन्हें अपने पोर्टफोलियो के तौर पर भेजी थी। अब लियोनार्डो को लुडोविको स्फोर्जा के पास काम तो मिल जाता है, लेकिन उन्हें इस जायंट क्रॉसबो को रियलिटी में बदलने का मौका शायद कभी मिला ही नहीं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि लियोनार्डो का यह आइडिया सिर्फ कागजी ख्याल था। 24 जून 2015 को मिलन शहर के किले में इसके स्मॉल साइज्ड मॉडल को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था और वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में था। साथ ही साथ इसका निशाना भी एक्यूरेट था। अब क्रॉसबो से मन नहीं भरा तो जरा इस लीथल वेपन को देखिए। ये है 33 बैरल वाली मशीन गन जो अपने आप चलती थी। इस तरह की कोई भी मशीन गन तो आज के समय में एग्जिस्ट भी नहीं करती है। हालांकि मशीन गन का इन्वेंशन साल 1884 में ही हो गया था, पर लियोनार्डो के इस वेपन को हम टेक्निकली मशीन गन कह नहीं सकते क्योंकि एक सिंगल बैरल से इसमें मल्टीपल टाइम्स बुलेट नहीं निकलती थी, बल्कि इस वेपन को देखकर ही सामने वाली आर्मी के पसीने छूट जाने वाले थे। हालांकि लियोनार्डो ने इसे सच में बनाया हो इसके कोई भी सबूत हमें नहीं मिलते। अब देखो, मुझे लगता है ना कि लियोनार्डो के सामने कोई ना कोई चैलेंज तो जरूर रहा होगा जिस कारण से वो इतने लीथल वेपन्स और रेवोल्यूशनरी इन्वेंशंस की डिजाइन बना रहे थे पर उन्हें रियलिटी में इन्वेंट नहीं कर पा रहे थे। अब पॉसिबल है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पर वर्क करने के लिए उन्हें कभी स्पॉन्सर ही नहीं मिला होगा जो इनका खर्चा उठाने को तैयार हो, या फिर ये टेक्नोलॉजीज अपने समय से इतनी ज्यादा एडवांस थी कि तब उन्हें रियलिटी में बदलना पॉसिबल ही नहीं था। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं लियोनार्डो का फाइटिंग व्हीकल। इसे आप मॉडर्न टैंक का प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं। हालांकि इसका कॉनिकल कवर टर्टल के शेल से इंस्पायर्ड था और मॉडर्न टैंक की जगह ये UFO ज्यादा लग रहा है, पर इसके पीछे भी गजब का दिमाग छिपा था। देखो, इसके कॉनिकल टॉप पर मेटल का प्रोटेक्शन था जो दुश्मन की बुलेट्स को रिफ्लेक्ट कर सकता था। इसके अंदर टोटल 8 सोल्जर्स बैठ सकते थे और 360 डिग्री में दुश्मनों पर फायरिंग कर सकते थे। हालांकि इनमें से कुछ सोल्जर्स को इस मशीन के अंदर क्रैंक्स को भी रोटेट करना पड़ता था क्योंकि ऑब्वियसली उस समय इलेक्ट्रिक मोटर नहीं चलती थी और इसे भी एक प्रॉपर गियर सिस्टम के साथ ह्यूमंस के द्वारा ही चलाने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन क्या हो अगर इस टैंक के रास्ते में कोई नदी आ जाए तो? वेल, इसके लिए भी लियोनार्डो दा विंची ने एक जबरदस्त आइडिया खोज निकाला था और इसे कहते हैं दा विंची ब्रिज। ये एक सेल्फ सपोर्टिंग ब्रिज था जो कुछ ही मिनट्स में तैयार किया जा सकता था और नदी पार करने के बाद इसे पैक करके अपने साथ ले जाया जा सकता था। मतलब जस्ट इमेजिन कि 16th सेंचुरी का ये जीनियस कितनी तगड़ी इमेजिनेशन रखता था। हालांकि देखो, इस ब्रिज में उतनी स्ट्रेंथ होती थी ना कि कोई एक कार्ट ही इसके ऊपर से निकल सकती थी और जिस मकसद से इसे बनाया गया था उसे ये पूरा करता था। आज दुनिया के कई कोनों में हमें दा विंची ब्रिज का प्रोटोटाइप और वर्किंग मॉडल देखने को मिल जाता है। लियोनार्डो ने साल 1502 में एक मैकेनिकल कैलकुलेटर का मॉडल भी दिया था जो पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस पास्कल लाइन से करीब 150 साल पहले की बात है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पास्कल लाइन, जिसे हम एरिथमेटिक मशीन या पास्कल्स कैलकुलेटर भी कहते हैं, उसे साल 1642 में फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लाइस पास्कल ने बनाया था। अब साल 1967 में जब लियोनार्डो के कुछ नोटबुक्स में ये स्केच देखा गया तो IBM की मदद से इसका वर्किंग मॉडल बनाया गया जो एक्चुअल में काम कर रहा था। वैसे जानते हो दुनिया की सबसे महंगी बुक कौन सी है? ये है कोडेक्स लाइसेस्टर, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने साल 1510 में पब्लिश किया था। 11th नवंबर 1994 को न्यूयॉर्क में हुए एक ऑक्शन के दौरान बिल गेट्स ने इसे $30.8 मिलियन में खरीदा था, जो आज के $60 मिलियन से भी ज्यादा बनता है। अब उनकी इसी बुक में डाइविंग बोट का जिक्र मिलता है जो आज की सबमरीन जैसा एक व्हीकल था। इसको बनाने के लिए एक वुडन फ्रेम की जरूरत थी जो वाटरप्रूफ लेदर से कवर्ड होने वाला था। अब इसमें 8 लोग बैठने वाले थे जो क्रैंक्स को लगातार घुमाते रहेंगे जिसे प्रोपेलर्स चलेंगे और ये डाइविंग बोट आगे बढ़ेगी। अब इस बोट में ना एक लंबा सा पाइप भी होगा जो वाटर की सरफेस तक आएगा और वहां से बोट के क्रू के लिए एयर की सप्लाई होगी। अब आज की सबमरीन्स भी ना कुछ इसी तरह का प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल करती है और क्रू तक एयर की सप्लाई भी ऐसे ही होती है। अब दोस्तों, आपने स्कूल्स में वाटर साइकिल के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। सूरज की हीट के कारण ओशियंस और दूसरी वाटर बॉडीज का पानी इवेपोरेट हो जाता है और बादल का फॉर्मेशन करता है, जिसके बाद यही पानी बारिश के फॉर्म में जमीन पर गिरता है। अब धरती की इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची की राइटिंग्स में ही मिलता है। अब यही नहीं, लियोनार्डो ये तक समझ चुके थे कि डिफॉरेस्टेशन के कारण एक पर्टिकुलर एरिया के रेनफॉल डिक्रीज हो जाती है, सॉइल इरोजन इंक्रीज होता है और उस एरिया का अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी डिक्रीज होने लगता है। लियोनार्डो ने वाटर स्टोरेज टैंक्स, कनाल्स और डैम्स के भी कई इनोवेटिव सिस्टम्स भी तैयार किए थे। अब जरा इसे देखिए, ये एक वाटर लिफ्टिंग डिवाइस था जिसकी ड्राइंग हमें लियोनार्डो की बुक में मिलता है और आप खुद ही देख सकते हो कि इसे कितना डिटेल्स में बनाया गया है। वैसे दोस्तों, जब बात टेलीस्कोप्स की आती है तो इसके इन्वेंशन का क्रेडिट गैलीलियो को ही दिया जाता है, लेकिन इसके एक सेंचुरी पहले ही लियोनार्डो दा विंची ऐसे किसी डिवाइस की कल्पना कर चुके थे। कोडेक्स लाइसेस्टर में हमें लियोनार्डो के द्वारा लिखा हुआ एक नोट
सपोर्ट मिलता है, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है ऐसे ग्लासेस को बनाना जिनकी मदद से मून को बड़ा करके देख सके। अब लियोनार्डो की एक और बुक कोडेक्स एटलांटिकस में हमें लियोनार्डो के द्वारा बनाया गया मून का स्केच देखने को मिलता है, जिसकी सिर्फ आधी ही ड्रॉइंग आज बची हुई है। अब अगर आप गौर से देखोगे ना, तो लियोनार्डो ने यहाँ अलग अलग मिरर्स, लेंसेस, क्रिस्टल्स और प्रिज्म वगैरह पर लाइट की रिफ्लेक्शन को ड्रॉ किया है। अब लियोनार्डो सच में टेलीस्कोप के मॉडल तक पहुंच पाए थे या नहीं, इसका तो कोई भी सबूत हमें नहीं मिलता, पर टेलीस्कोप्स के आइडिया को तो उन्होंने सोच ही लिया था। और ऑप्टिक्स का ये ज्ञान लियोनार्डो सिर्फ टेलीस्कोप्स के लिए कलेक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सोलर पावर प्लांट का मॉडल तैयार कर रहे थे, जिसका सबूत हमें इस वाली ड्रॉइंग में मिलता है। नाउ जस्ट इमेजिन कि ये कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होने वाला था। कहते हैं कि जब लियोनार्डो वेटिकन चर्च के लिए काम कर रहे थे, तब उन्होंने बर्निंग मिरर्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे। ये डिवाइसेस कॉनकेव मिरर से बने हुए होते थे और सनलाइट को एक पर्टिकुलर एरिया में फोकस करने में हेल्पफुल था, और इनकी मदद से पानी भी गर्म किया जा सकता था। लेकिन व्हाट इफ हमें पानी को गर्म नहीं बल्कि ठंडा करना हो तो? अब भाई लियोनार्डो को रेफ्रिजरेटर बनाने का आइडिया तो नहीं आया होगा, राइट? नाउ यू मे नॉट बिलीव, लेकिन लियोनार्डो ने रेफ्रिजरेटर का मॉडल भी बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप इस वाली ड्राइंग में देख सकते हो। अब यहाँ होता कुछ यूं था कि बिलोस का एक सिस्टम लगाया हुआ था जो लेदर से बने 3 चेम्बर्स में एयर को पंप करता था, और फिर ये उनके अंदर मौजूद 18 पाइप्स में भर जाती थी जो एक सेंट्रल वैक्यूम चेम्बर से जुड़े होते थे, और वहीं पर हमारा वो कंटेनर होता था जिसे ठंडा रखना है। बिलोव्स असल में ऐसे मैकेनिकल डिवाइसेस होते थे जो हवा के झोंके को प्रोड्यूस करने का काम करते थे। इस कूलिंग मशीन का वर्किंग मॉडल फ्लोरेंस के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। वैसे क्या कभी आपने सोचा है कि आज हम अपने बॉडी पार्ट्स के जो डिटेल इमेजेस देखते हैं, वो किसने बनाए थे? जी हाँ, इसका क्रेडिट भी लियोनार्डो दा विंची को ही जाता है। इस बंदे ने लिटरली इंसान की बॉडी के हर पार्ट, चाहे वो ब्रेन हो, आईज हो, हार्ट हो या फिर इंटेस्टाइन ही क्यों ना हो, सभी की डिटेल्ड ड्राइंग्स बनाई थी। जहाँ तक कि एक बच्चा माँ के गर्भ में किस तरह डेवलप होता है, उसके डिटेल्ड डायग्राम्स भी हमें लियोनार्डो की ड्राइंग्स में ही देखने को मिलते हैं। साल 2016 में दुनिया के सामने आई ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, पर क्या आप जानते हो कि आज से 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया था, जिसे लियोनार्डोस मैकेनिकल नाइट कहते थे। इसे साल 1495 में मिलान के राजा लुडोविको स्फोर्जा के दरबार में डेमोंस्ट्रेट भी किया गया था। इसे पुल्ली और केबल्स के सिस्टम से बनाया गया था, जो अपने हाथ पैर को हिला सकता था और उठ बैठ भी सकता था। यही नहीं, लियोनार्डो ने फ्रांस के राजा फ्रांसिस वन के दरबार में एक ऐसे मैकेनिकल लायन भी डेमोंस्ट्रेट किया था जो चल भी सकता था, और इसके पुख्ता सबूत मौजूद भी है। साल 2019 में लियोनार्डो के इस मैकेनिकल लायन को रीइमेजिन करके बनाया गया था, जिसका वर्किंग मॉडल आज पेरिस के इटालियन कल्चरल इंस्टीट्यूट में रखा हुआ है। साल 1469 से 1518 के बीच लियोनार्डो दा विंची ने 10 मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी थी जो आज भी एग्जिस्ट करती है, और इनमें ना जाने कितने ही ऐसे फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स को इमेजिन किया गया है। ह्यूमन हिस्ट्री में लियोनार्डो का कॉन्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा है ना, जिसे एक वीडियो में कंपाइल करना तो इम्पॉसिबल है। तो भाई, अगर आपको लियोनार्डो की लाइफ और इन्वेंशंस पर और भी वीडियोस देखने हैं तो मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कॉमेंट ज्यादा हुए तो मैं इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट भी लेकर आऊंगा, और अभी ये तो बस शुरुआत है इनके इन्वेंशन का। वैसे दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा इन्वेंशन सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगा, नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी ना, तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है अमेज़न फॉरेस्ट में मिले ऐसे शहरों के बारे में जो हाल ही में डिस्कवर हुए हैं और जिनके बारे में कोई नहीं जानता। ये शहर इतने गुप्त थे और इतने मॉडर्न थे कि इनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लिक करो, इस वीडियो को देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।